वेलकम यू एन आवर चैनल डॉक्टर एग्रीकल्चरिस्ट आई एम देवेंद्र चौधरी इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिट्रस कैंकर दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज ये बैक्टीरिया के कारण होता है दिस इज फॉर द कोर्स डिजीजेस ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट टू सो लेट्स गेट स्टार्टेड सिट्रस कैंकर इज कॉज बाई अ बैक्टीरिया जेंथोमोनास कम्पेस्टिस पैथोवर सिट्री ये पैथोवर का मीनिंग क्या है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच आर स्पेशलाइज टू कॉज इन्फेक्शन इन अ स्पेसिफिक क्रॉप जैसे जेंथोमोनास कम्पेस्टिस एक बैक्टीरिया है इसी में कुछ पॉपुलेशन सिट्रस में डिजीज कर सकते हैं जिन्हें कहा जाता है पैथोवर सिट्री कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि कैबेज में डिजीज करता है ब्लैक रॉट उसका पैथोवर है कंपेस्टिस मतलब जेंथोमोनास जेंथोमोनासकम्पेस्टिस पैथोवर कम्पेस्टिस यह करता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर और जेंथोमोनास कम्पेस्टिस पैथोवर सिट्री यह करता है सिट्रस कैंकर और इन दोनों बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी में और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों सेम होते हैं बस एक ही अंतर है कि यह सिट्रस में डिजीज करता है और यह क्रूसीफ़र्स में डिजीज करता है कमिंग टू सिम्टम सिम्टम अपीयर्स ऑन लिप्स स्टेम एंड फ्रूट एसिड लाइम लेमन एंड ग्रेप आर कॉमनली अफेक्टेड स्वीट ऑरेंज एंड मैंडरिन आर रेयरली इंफेक्टेड सो so, ये जो डिजीज है वो रूट के अलावा पूरे एरियल पार्ट्स में आती है और एसिड लाइम लेमन और ग्रेप फ्रूट्स में इंफेक्शन ज्यादा मात्रा में होता है और स्वीट ऑरेंज और मैंड्रीन में कम मात्रा में इंफेक्शन होता है अब देखते हैं इसका जो सिम्टम है वो लिप्स में कैसे दिखाई देता है इनिशियली वाटर सोक्ड स्पॉट्स अपीयर विद स्लोली टर्न ब्राउन एंड प्रोड्यूस कॉर्की रेज्ड स्पॉट्स, फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ येलो हेलो सो पहले ये वाटर सोक्ड स्पॉट्स आते हैं इन्हें हिंदी में जल में धब्बे कहते हैं बाद में इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर का हो जाता है इसका जो सरफेस है वो उभरा हुआ हो जाता है बाद में ये जो उभरा हुआ सरफेस है उसमें क्रैकिंग हो जाती है फटने लग जाता है ये और इस स्पॉट्स के चारों ओर येलो हेलो प्रेजेंट होता है और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्शन हो जाता है जैसे ये लीफ है इसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आते हैं तो डिफोलियशन हो जाता है जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं सिम्टम्स इन स्टेम्स स्टेम में भी सेम टाइप के सिम्टम आते हैं लेकिन इसमें येलो हेलो एबसेंट होता है इसमें स्पॉर्ट्स इस के किनारे वाला एरिया पीला नहीं पड़ता है बाद में इसमें क्रैकिंग हो जाती है और इस क्रैकिंग से बैक्टीरिया बाहर आते हैं कब वार्म एंड रेनी सीजन में जब बरसात का मौसम आता है और तापमान बढ़ता है उस समय इनके क्रैकिंग से बैक्टीरिया के सेल बाहर आते हैं फाइनली स्टेम गर्डल एंड डाई बाद में जैसा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो स्पॉट्स है वो पूरे स्टेम को घेर लेता है और इसका जो अपर पोर्शन है इसके ऊपर जो लिप्स वगैरह हैं वो मर जाते हैं सिम्टम्स इन फ्रूट्स फ्रूट्स में भी सेम टाइप के सिम्टम आते हैं इसमें भी येलो हेलो एब्सेंट होता है लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो बार्क में ही प्रेजेंट होता है जो ऊपर का छिलका है उसी में ही प्रेजेंट होता है और अंदर की तरफ मूव नहीं करते हैं ऐसे स्पॉट्स फ्रूट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं और इसका जो मार्केट क्वालिटी है मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाता है अगर ये सिम्टम बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं तो फ्रूट्स छोटा रह जाता है और समय से पहले गिर जाता है तो ये था सिम्टम आगे देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ द बैक्टीरिया ये कहाँ बिलोंग करता है बैक्टीरिया किंगडम में इसका ग्राम स्टैंड क्या है नेगेटिव सेल है रॉड सेप का इसका सेल का होता है और इसमें एक ही फ्लेजिला प्रेजेंट होता है जिसे मोनोट्राइकस फ्लेजिला कहते हैं इसमें रेस्पिरेशन एरोबिक होता है, मतलब इसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कॉलोनी एक्स्ट्रा कलर की या येलो कलर की होती है और डिफ्यूज होती है यह है बैक्टीरिया का सेल जो कि रॉड सेप्ड है और इसमें एक फ्लेजिला प्रेजेंट है मोनोट्राइकस फ्लेजिला यह है इसकी कॉलोनी जो कि येलो कलर की है और ये डिफ्यूज है कहने का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं ये इंटेक्ट नहीं है ये थोड़ा फैला हुआ है क्योंकि ये म्यूकस सिक्रिट करते हैं जिसके कारण से इसकी कॉलोनी डिफ्यूज रहती है डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं सर्वाइवल प्राइमरी इंफेक्शन और सेकेंडरी इंफेक्शन या सेकेंडरी स्प्रेड सो सर्वाइवल पैथोजन सरवाइव इन इन्फेक्टेड लिप्स फॉर सिक्स मंथ जो पैथोजन है वो इन्फेक्टेड लिप में सर्वाइव करते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन जो पैथोजन स्टेम में या लिप्स में सर्वाइव कर रहा है वो एज अ प्राइमरी इनोकुलम एक्ट करता है और जो कि पहला डिजीज करता है द बैक्टीरियम इंटर्स द होस्ट थ्रू स्टोमेटा लेंटिसल आर वून्स सो बैक्टीरिया स्टोमेटा के द्वारा जो रंध्र होते हैं उसके द्वारा लेंटिसल के द्वारा ऐसे पोर्स जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं उन्हें लेंटिसल कहते हैं और वुंड्स के द्वारा इसमें एक इंसेक्ट आता है लीफ माइनर यह है लीफ माइनर का सिम्टम इसमें क्या होता है एक लारवी लीफ के अंदर में चली जाती है और अंदर के सेल्स को खाते रहती है तो अगर लीफ माइनर का इंफेक्शन हुआ है तो सिट्रस कैंकर का भी इंफेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है क्योंकि जो इंसेक्ट है वो सेल को डैमेज करता है और उन्हीं डैमेज सेल में बैक्टीरिया इंटर करता है सेकेंडरी स्प्रेड थ्रू विंड रेन एंड इंसेक्ट जैसे पैथोजन सर्वाइव कर रहा है प्लांट डेबिस में होस्ट प्लांट में ठीक है क्योंकि ये एक बहुवर्षीय प्लांट है पेरिनियल प्लांट है इसीलिए इसके डिजीज्ड प्लांट में जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर रहा है या तो लीफ में या स्टेम में फिर क्या होगा जो फार्मर है वो ऐसे इन्फेक्टेड होस्ट से स्टेम कटिंग लेते हैं कलम लेते हैं और उसको नए एरिया में ले जाते हैं वहां पर इसको लगाएंगे फिर वहां पर ये जो बैक्टीरिया है वो दूसरे लिप्स में या दूसरे प्लांट में स्टोमेटा के द्वारा या लेंटी के द्वारा या वुंड्स के द्वारा पौधे में इंटर करता है वहां पर रिप्रोड्यूस करता है और मल्टीप्लाई होता है एक बात हमेशा ध्यान रखना है जैसे ये सेल है और इन सेल के बीच में एक स्पेस बना हुआ है ये स्पेस इसी को कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस या पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये जो बैक्टीरिया होते हैं यहीं पर मल्टीप्लाई होते हैं बाद में सिम्टम डेवलप होता है जो बैक्टीरिया हैं वो इन्फेक्टेड पार्ट से बाहर आते हैं कब बरसात के मौसम में फिर ये दूसरी प्लांट में फिर से इंफेक्शन करते हैं इसी को कहते हैं सेकेंडरी इंफेक्शन साइकिल या तो ऐसे भी हो सकता है कि इंफेक्टेड प्लांट में ये सर्वाइव करते रहते हैं आगे बढ़ते हैं फेवरेबल कंडीशन 22 टू डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ऑन द होस्ट सरफेस ससेप्टिबल वेराइटी और इन्फेस्टेशन ऑफ लीफ माइनर लार्वी ये जो लीप माइनर का इंफेक्शन है इसके कारण से डिजीज की सीवियरिटी बढ़ जाती है अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में फॉर एनी डिजीज वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस किसी भी डिजीज के मैनेजमेंट के लिए हमें इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनाना चाहिए इसमें पहला है कल्चरल मैनेजमेंट इन्फेक्टेड लिप्स स्टेम फ्रूट्स शुड बी रिमूव्ड एंड बर्न ग्रो रजिस्टेंट वेराइटीज लाइक सिट्रोन एंड कॉलमोन्डीन प्रून बैडली इंफेक्टेड ट्विक्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ मानसून जैसे ये ऑर्चर्ड में प्लांट्स हैं ठीक है इसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे भी गिरी होंगी कुछ कुछ में इंफेक्शन भी हुआ होगा ठीक है तो क्या करना है पहले इस इंफेक्टेड लीप्स को स्टेम्स को और फ्रूट्स को इस ऑर्चर्ड से बगीचे से बाहर ले जाना है और जला देना है हमें हमेशा डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ही ग्रो करना चाहिए और मानसून के आने से पहले ये जो इंफेक्टेड प्लांट हैं प्लांट पार्ट है उन्हें रिमूव कर देना चाहिए क्वारंटाइन मैनेजमेंट जैसे किसी स्टेट में या किसी डिस्ट्रिक्ट में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है और एक डिस्ट्रिक्ट में इन्फेक्शन नहीं है तो गवर्नमेंट को ऐसा रूल बनाना चाहिए कि इन्फेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से या इन्फेक्टेड स्टेट से प्लांटिंग मटेरियल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और जो भी प्लांटिंग मटेरियल हेल्दी डिस्ट्रिक्ट में या हेल्दी स्टेट में इम्पोर्ट किया जाता है तो वो एकदम हेल्दी होना चाहिए जिससे कि यहां पर जो बीमारी है वो यहां से बाहर ना जा सके और जो हेल्दी एरिया है वहां पर बाहर से बीमारी ना आ सके इसी को कहते हैं क्वारंटाइन मैनेजमेंट फिजिकल मैनेजमेंट हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ रूट स्टॉक्स एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 टू 15 मिनट ये रूट स्टॉक जब कलम करते हैं तो नीचे का जो पोर्शन है जहां से रूट बनते हैं उसे रूट स्टॉक कहते हैं और ऊपर का पोर्शन जो कि अच्छा फल देता है अच्छा इल्ड देता है उसे सियान कहते हैं तो रूट स्टॉक को 50 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर में 10 से 15 मिनट तक रखना है जिससे क्या होगा जो बैक्टीरिया अंदर में प्रेजेंट है वो मर जाता है बायोलॉजिकल मैनेजमेंट हमें बायो कंट्रोल एजेंट सोडोमोनास फ्लोरोसेंस को ऑर्चर्ड में स्प्रे करना चाहिए केमिकल मैनेजमेंट स्प्रे स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेट फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड पीपीएम आर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जीरो पॉइंट टू परसेंट एट फिफ्टीन डेज इंटरवल कंट्रोल लीफ मैनर वेन यंग फ्लस इज प्रोड्यूस्ड ठीक है तो एक केमिकल यूज करना है जो कि बैक्टीरिया को किल करेगा वो कौन कौन से हैं स्टेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और एक केमिकल स्प्रे करना है इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो उन्हें इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में नहीं आती तो वो बोल रहे थे कि सर हिंदी में मटेरियल प्रोवाइड कीजिए तो ये है सैंपल ऐसे ही टाइप का जो हिंदी में नोट्स है उसका पीडीएफ फॉर्मेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करूंगा तो ऐसे ही हिंदी में नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल में जाइए और वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं आप टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स इन पी डी एफ फॉर्मेट प्लीज जॉइन माई टेलीग्राम चैनल टू जॉइन माई चैनल इधर यू कैन स्कैन दिस क्यू आर कोड आर यू कैन सर्च डॉक्टर अंडर स्कोर एग्रीकल्चरिस्ट इन टेलीग्राम इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल सो लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.